गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अगर आप टीचर की सुने ध्यान से और बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या पूछ सकते हैं या पूछने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए थी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, केमिस्ट्री में दो चीज़ें आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में, या क्लास ट्वेल्थ में आपने, या हो सकता है कि पढ़ ली हूँ अभी, माइट बी क्लास 11 लेवल, मुझे नहीं मालूम, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती 11 12 की। तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक रिंग तो ये होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन रिंग नहीं है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये ऑक्सीजन लगी हुई है, और मोर एप्रोप्रिएटली आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ऑक्सीजन लगी हुई है ये, 1 2 3 4, ऑक्सीजन इज इन बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ कार्बन, सो दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज कॉल्ड फ्यूरान, इसको बोलते हैं फ्यूरान, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्स में 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। एक और दूसरी चीज क्या होती है, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन इज इन बिटवीन फर्स्ट एंड द फिफ्थ कार्बन, तो दिस इज 6 मेंबर रिंग, इट इज कॉल्ड पायरन, पायरन एंड प्यूरान। तो ये 5 कार्बन नहीं है, ये 6 कार्बन नहीं है, ये 5 मेंबर्ड है, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 6 मेंबर हैं, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है, ऑक्सीजन फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, ये पायरन और प्यूरान केमिस्ट्री में होते हैं। ड्रॉ इट, देन आई एम गोइंग टू रब इट। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, बहुत हो गया, अब इसको बना ली जल्दी से। मेरी कोशिश रहती है कि आपको 3:15 पर लिंक पहुंच जाए और आप उसे ओपन कर लें, तो आप 3:15 पर बिल्कुल रेडी रहा करिए, ठीक है ना? और हेड्स ऑफ टू दोज स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर, रेगुलर मीन्स विदाउट एनी छुट्टी इन ऑनलाइन क्लास, आई कैन नेम देम, दे आर रियली गुड पीपल। और कुछ बच्चे किसी वजह से नहीं देख पाते, मे बी ड्यू टू इंटरनेट और बिजीनेस इन एनी अदर फॉर्म, तो बाद में देख लेते हैं क्लास को, लेकिन बेहतर होता है कि आप ऑनलाइन रहें तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी कोशिश है कि अब भाई मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भेज दूँ तो देख लेना, अब आप ये खुद से अगर करते हैं देख लेंगे तो डिफरेंस, फिर बाद में कहते हैं टीचर तो रिकॉर्डेड क्लास भेज, सो ऑनलाइन इज ऑनलाइन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑनलाइन आ जाएं। वेरी गुड, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस, पायरन एंड प्यूरान, डोंट फॉरगेट दिस, वेरी गुड। तो हमने क्या करा, हमने सारे एल्डोजेस और कीटोजेस के ओपन चेन फॉर्म बनाए, लेकिन फिशर ने फिर क्या बोल दिया कि शुगर्स इन नेचर डज नॉट अकर एज ओपन चेन फॉर्म,
sugars in nature does not occur as open chain form. Remember what he said for sugars. अब थ्री कार्बन वाला ग्लिसरलडिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वो शुगर नहीं है. शुगर होने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मीठा होना जरूरी है. तो आप मुझसे ये मत पूछना कि थ्री कार्बन वाला कैसे बनेगा, फोर कार्बन वाला कैसे बनेगा. नहीं, वो शुगर्स ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट ऑल्दो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. तो इन्होंने सिर्फ शुगर्स के लिए बोला. शुगर्स में स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, राइबोज की, इन सब की बात हो रही है. ठीक है, ये वो सवाल था जो आप मुझसे पूछते कि थ्री कार्बन वाला कैसे होगा चेंज और फोर वाला कैसे होगा चेंज. तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर्स, नॉट फॉर एवरी एल्डोज एंड कीटोज. ठीक है, बाद में ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता था. तो अब फिशर ने जब ये बोला कि ओपन चेन फॉर्म में नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट. This is glucose. Fischer ने बच्चों ये बताया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फ्रीली नहीं पाया जाता. ऑफ कोर्स दिस इज डी ग्लूकोज. फिशर का जो प्रोजेक्शन है वो यहां हम देखेंगे. फिशर ने बताया कि ये जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है इसका हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है और इसका ऑक्सीजन इधर से आके इस कार्बन से ऐसे. अब देखें क्या होने वाला है. लेट अस फर्स्ट गिव देम द नंबर्स. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now what was Fischer's projection? Let us see. फिर से मैं ग्लूकोज बनाऊंगा. CH4 1 2 3 4 CH2OH OH H OH H H OH H. ये बिल्कुल सेम डायग्राम है. अब ये जो एरोज हैं ये क्या है कि ये जो CHO है इसको हम लिख सकते हैं COH. एनी प्रॉब्लम? ये वाला हाइड्रोजन यहां से हट गया और ये इस कार्बन पे आ गया और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जुड़ गई. अब ये ओपन चेन फॉर्म नहीं रही, अब ये बन गई क्लोज चेन फॉर्म. फिशर ने क्या बोला, शुगर्स इन नेचर डज नॉट अकर एज ओपन चेन फॉर्म. आगे कुछ और भी इन्होंने बोला वो अब मैं बताऊंगा. पहले मैं कार्बन नंबर डाल देता हूं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 कार्बन क्लोज चेन के बाहर है. इन्होंने ये बोला द फंक्शनल ग्रुप does not lies as such. Functional group खुला हुआ नहीं पड़ा रहता. It is attached to last chiral carbon atom forming specialized linkages. अब ये जो बना ये स्पेशलाइज्ड लिंकेज है इसका नाम है हेमीएसिटल.
एमीएसिटल नाम क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक था, एल्डिहाइडिक ग्रुप ने ये बनाया तो इसका नाम रख दिया हेमीएसिटल। अब ये बन गया क्लोज चेन, ठीक है। ये फिशर का प्रोजेक्शन था, इसमें क्या हुआ कि एक कार्बन और एसिमेट्रिक हो गया, पहला वाला यहां पे नहीं था, एक कार्बन और एसिमेट्रिक हो गया, जो कार्बन अब हेमीएसिटल बनने के बाद एसिमेट्रिक हुआ उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। दिस वन, इससे क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड लिंकेज बनने से एनोमेरिक कार्बन बन गया। व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? हेमीएसिटल बनने के बाद जो एडिशनल कायरल कार्बन एटम हुआ या जो कायरल कार्बन एटम बढ़ गया उसका नाम है एनोमेरिक कार्बन। वो कौन सा है? कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर वन। ये भी अब कायरल हो गया और इसका नाम होता है एनोमेरिक कार्बन। इसकी दो फॉर्म्स होती है, इस पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है, OH राइट हैंड साइड पर है तो इसको बोलते हैं अल्फा एनोमर। OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इसको बोलेंगे बीटा एनोमर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिशर के प्रोजेक्शन के हिसाब से शुगर्स के स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म में नहीं होते, फंक्शनल ग्रुप लास्ट कायरल कार्बन एटम से अटैच होता है, एक एनोमेरिक कार्बन बढ़ जाता है या एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम बढ़ जाता है जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उस पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो वो अल्फा एनोमर है और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो बीटा एनोमर कहलाएगा। इसका नाम था डी ग्लूकोज। फिशर के प्रोजेक्शन के बाद इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये अल्फा एनोमेरिक कार्बन के साथ है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है और आ चुका है ये कंपटीशन में, जो पहले AIPMT हुआ करता था, उससे पहले CBSE PMT हुआ करता था, CBMT हमारे स्टेट का था, अब उसे नीट कह रहे हैं कंबाइंड। तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में, बायो के पेपर में, क्योंकि बायोमोलिक्यूल दोनों जगह पर है, उन्होंने पूछा था अल्फा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं। तो बच्चों को पता था ग्लूकोज में चार होते हैं, एक दो तीन चार को चार लगा करके आ गए, गलत हो गया। जैसे ही अल्फा और बीटा नाम ऐड होंगे एक कायरल कार्बन एटम बढ़ जाएगा, अब हो गए 1 2 3 4 5, पांच कायरल कार्बन एटम हो गए अल्फा में। अल्फा और बीटा नाम ऐड होते ही एक कायरल कार्बन एटम बढ़ जाता है। Is this clear to all of you? Do you have any doubt? Let me know, then I'll explain it. So, bachcho, let me know whether it is clear to all of you. आप ये देख लीजिए कि कितनी मेहनत लगती है NCERT तक पहुंचने में। अभी NCERT हम इस चैप्टर में खोल नहीं रहे, NCERT को समझने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है ये समझ लीजिए, और हर चैप्टर में ऐसे ही होता है। उसके बाद जब आप NCERT पढ़ते हैं तो आपको लगता है तो बहुत आसान है। अब क्या हुआ इसके बाद, फिशर ने तो अपना प्रोजेक्शन दे दिया, लेकिन फिर एक साहब और आए बायो में, फिशर ने अपनी बात कह दी तो इनके बाद एक साहब और आए। मैं इस पार्ट को यहां से रब कर रहा हूं, डी ग्लूकोज को, ये जो क्लोज चेन बनी है ये कितने मेंबर्स की है? ये क्लोज चेन जो बनी है हेमी एसिटल के बाद, स्पेशलाइज्ड लिंकेज के बाद, इसमें कितने मेंबर्स हैं और ये किसमें फिट होगी, किसमें फिट होनी चाहिए? टेल मी दैट।
Can you see that it has got six members? It has got six members. 1, 2, 3, 4, 5 carbon and one oxygen. So it has got six members. और six membered ring कौन सा था? Pyran. Not furan. It was pyran. एक oxygen भी तो है. Yes or no? सिक्स मेंबर्स आ गए यहाँ पर पायरन में फिट हो गए. पायरन नहीं है, पी आई पी वाई आर ए एन है. पी वाई आर ए एन पायरन, नॉट पायरन, इट इज पायरन. ठीक है, तो फिशर के बाद आए हॉबर्ट. हॉबर्ट ने कहा फिशर से कि भैया ये तो क्लोज रिंग है, इसे रिंग की फॉर्म में क्यों नहीं बनाते? तो फिशर ने हॉवर्ड से कहा होगा आप बना दो. तो हॉवर्ड ने अपना प्रोजेक्शन दे दिया. हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन. ठीक है बच्चों, देखिए कैसे बनेगा. भाई आप लोग पी वाई आर ओ एन क्यों लिख रहे हैं? इट इज पी वाई आर ए एन. पायरन नहीं है, पायरन है, आर ए एन है बच्चों. तो हॉवर्ड का प्रोजेक्शन देख लीजिए. ऑक्सीजन किस किस के बीच में है? फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में. फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में. ठीक, हम ये मान लें कि जो कुछ भी लेफ्ट पर है वो हम नीचे रख लेते हैं या ऊपर रख लेते हैं. चलिए ठीक है, वन पर क्या है? वन कार्बन पर क्या है? एच ओ एच, एच ओ एच. टू पर क्या है? एच ओ एच. थ्री पर क्या है? ओ एच एच. फोर्थ पर क्या है? एच ओ एच. फिफ्थ पर एच है. अब इसे हमें ऊपर बनाना था, हमने नीचे क्यों बनाया? क्योंकि सिक्स कार्बन रिंग के बाहर है. सी एच टू ओ एच. ये क्या बन गया? हॉवर्ड का प्रोजेक्शन ग्लूकोज के लिए, जिसका सही नाम था डी ग्लूकोज. डी क्यों कह रहे थे? क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन एटम का ओएच राइट हैंड साइड पर था. फिर इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू फिशर. अब इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज. अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज ग्लूकोज का ये सही नाम है और ग्लूकोज का यही सही स्ट्रक्चर है नेचर में अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन. तो ये बना था पहले के बाद, अब इससे ये आया. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ विल सी राइबोज एंड देन विल सी फ्रक्टोज. फर्स्ट विल सी फ्रक्टोज. फ्रक्टोज देखेंगे, उसके बाद राइबोज देखेंगे. बस यही काम सबसे मुश्किल था, ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज तीन देखने हैं. क्योंकि बात हो रही है किसकी? शुगर्स की. नॉन शुगर्स की बात नहीं हो रही है. ट्रायोजिस टेट्रोजिस इनकी बात नहीं हो रही है. पेंटोजिस और हेक्सोजिस की बात हो रही है. शुगर्स वहीं पर आई हैं, क्योंकि शुगर होने के लिए कार्बोहाइड्रेट होना प्लस मीठा होना दो बातें जरूरी हैं. सो यू हैव सीन ग्लूकोज, नाउ यू विल सी फ्रक्टोज, देन यू विल सी राइबोज. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बुक्स में ये डायग्राम बना होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपने देख लिया, आपको भी और मुझे भी.
क्योंकि आप लोगों को ये डोंट माइंड मैं मजाक कर रहा हूँ, दिमाग में कीड़ा रहता है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उस कीड़े को मारने के लिए सारी तैयारी करके चलनी पड़ती है। यू पीपल आर वेरी मच यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ डिजायर इन योर ब्रेन कि कहाँ से आ गया, यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तो वो सिखाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। Should I proceed? Coming on to the next example, example 2 is of fructose. We'll see that also. क्योंकि आगे फिर सब कुछ बहुत आसान है। पहले मुश्किल चीजें पढ़ लो तो आगे की चीजें आसान लगने लगती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले मेडिकल कॉलेज का पढ़ लो फिर 11th का पढ़ो तो आसान लगती है। मेडिकल कॉलेज का मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। सो क्या लिखा है, इस कंडीशन में भी ग्लूकोज के 5 कार्बन एटम होते हैं, 5 कार्बन एटम होते हैं। यस ऑफ कोर्स, जब एक बार अल्फा आयनोमर बन गया उसके आगे कहीं भी जाएंगे तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, अब फ्रक्टोज को देखते हैं। CH2OH C double bond O 1, 2, 3 CH2OH OH, OH, H, 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 OH. ठीक, let us say this is D fructose. Just for the sake of, you know, knowledge or whatever you have studied. और टू साइट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, इस कीटोनिक ग्रुप को ऐसे बनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली तो इसे सीओ लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड की जरूरत भी नहीं है, सीओ भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या होगा, जो फिशर्स प्रोजेक्शन है उसको देख लीजिए, इसको फिर से बना लेते हैं। CH2OH C double bond O CHOH COH H COH H CH2OH कार्बन नंबर डाल देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यहां पर क्या होगा बच्चों कि ये हाइड्रोजन उठ करके यहां आ जाएगी और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। मैंने आपसे बोला कि ये हाइड्रोजन उठ करके यहां आ गई OH, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ना था। अगेन आई एम राइटिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6,
Now oxygen is in between second and the fifth carbon. और ये जो बॉन्ड बना स्पेशल बॉन्ड ये कीटोनिक ग्रुप से बना है, इसका नाम है हेमी कीटल। वो एल्डिहाइड ग्रुप से बना था, उसका नाम था हेमी एसिटल। ये कीटोनिक ग्रुप से बना है, इसका नाम है हेमी कीटल। ये है स्पेशलाइज्ड बॉन्ड्स और लिंकेजेस। ठीक है, तो सिर्फ आपके समझाने के लिए मुझे OH इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर लेफ्ट पर लाना था, जिसे हमें पता चल जाए कि बीटा आइनोमर कैसे होते हैं। तो इसका नाम हो गया बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम बड़ा उस पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। अब यहां पर एक दो तीन एसिमेट्रिक कार्बन एटम थे, यहां पर एक दो तीन चार एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गए, एक बढ़ गया बीटा ऐड होते ही, अल्फा ऐड होते ही। अब इसी को हम किस स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हैं, पायरन में कि फ्यूरन में? बिकॉज एक दो तीन चार कार्बन और एक ऑक्सीजन है, फाइव मेंबर रिंग में आना चाहिए ये, यस और नो? एंड दैट वॉज फ्यूरन, लेट अस सी दैट ऑल्सो। Let us see Haworth's projection. This was Fischer's projection. So ये आ गया साहब इस स्ट्रक्चर को बनाने में, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं तो उनके जो डायग्राम है वो अच्छे नहीं आते। ये जो चार लाइंस आप बनाएंगे ये हमेशा ऑब्लिक बनाएंगे, तब पांचवी लाइन स्ट्रेट बनाएंगे। बच्चे कैसे बना देते हैं इसे, ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया, तो ये ऐसे नहीं बन पाता है। ये भी सही लेकिन ऐसे बन नहीं पाता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अब हम बनाने जा रहे हैं वो देखें। तो ऑक्सीजन is in between second and the fifth carbon, first or sixth carbon ring के बाहर है, ठीक? तो देखिए ये हो गया 2, 3, 4, 5, 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन, 2 पर क्या है, 2 पर है OH और first carbon ring के बाहर है CH2OH, ठीक? third पर क्या है OH, H, या हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट वाले को नीचे ले रहे थे, है ना, लेफ्ट वाले को नीचे ले रहे थे, लेफ्ट वाले को नीचे ले रहे हैं। फोर्थ पर क्या है, फोर्थ पर है H, OH, इसमें हमने लेफ्ट वाले को नीचे ले लिया, उसमें क्या किया था अभी देख के बताइए जरा, उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। लेफ्ट वाले को ऊपर लिया था, लेफ्ट अप लिया था, तो लेफ्ट अप ही लेंगे हम यहां पर, ठीक? OH, CH2OH, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड पर OH ऊपर, थर्ड पर OH ऊपर H नीचे, फोर्थ पर H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ पर H ऊपर और सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर है CH2OH, ये सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर है। ये क्या बन गया जानते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज से, बीटा डी फ्रक्टो
प्यूरेनोज, फ्रक्टोज का एक्चुअल नेम। अब राइबोज और देखेंगे, लेट मी नो हैव यू डन दिस, वी कैन मूव ऑन टू राइबोस क्विकली। राइबोस द शुगर ऑफ आरएनए। Example third, ribose, CHO, 1, 2, 3, CH2OH, OH, 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 H, H, H. This is D-ribose. One, two, three, four, five. ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है? So now it will go into Fischer's projection. Which will further go into Hauer's projection. CHO को लिखेंगे फिर 2, 3 CH2OH, OH, 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 H, OH. ये H यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ इसके जुड़ गई, ये बना हेमी एसिटल, फिर से एल्डिहाइड ग्रुप से बना है हेमी एसिटल, और 1, 2, 3, 4 एंड द फिफ्थ कार्बन, इसका नाम हो गया अल्फा डी राइबोस, और ये फिट होगा किसमें बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग अकॉर्डिंग टू हॉवर्स प्रोजेक्शन। Oxygen is in between first and the fourth carbon, first and the fourth carbon. First पर क्या है H OH, second पर क्या है H OH, third पर क्या है H OH, fourth पर H ऊपर, और fifth carbon ring के बाहर CH2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फा डी राइबो प्यूरेनोज, जिसको हम बोलते हैं राइबोज़।
तो एक तो बच्चों अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और एक अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज, ये दोनों बने हुए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज 145 पर, पेज 145 पर। जो पहले दो डायग्राम हैं वो ग्लूकोज और राइबोज के हैं, आप उनको देखना और बताना कि उसमें क्या कमी है एनसीईआरटी में, ठीक है? ग्रुप में मुझे पोस्ट करिएगा। पेज 145 पर ग्लूकोज और राइबोज बने हुए हैं, जिनको अब हम डायरेक्टली ग्लूकोज और राइबोज कह सकते हैं, हमें इनके सही नाम पता चल गए। तो यू फाइंड आउट व्हाट इज द यू नो व्हाट थिंग इज लैकिंग इन दोज टू स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन ड्रॉन इन एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 11 पेज 145 एंड लेट मी नो इन द ग्रुप। अच्छा, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, आपको पता है माई फादर पास्ड अवे सम डेज बैक, तो कुछ उनके लिए यहाँ रिचुअल है घर पर, ठीक है? आप लोग भी उनके लिए दुआ करिएगा। तो कल क्लास ऑफ रहेगी बायो की, विल इंशाल्लाह मीट ऑन सैटरडे नाउ। टिल देन गुड बाय, फाइंड आउट व्हाट इज देयर ऑन पेज 145 अबाउट ग्लूकोज एंड राइबोज एंड लेट मी नो इन द ग्रुप। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।